तो फ्रेंड्स, फेसबुक को मोनेटाइज करने के लिए यहाँ पे 9000 फॉलोअर हो चुका है, जबकि आपको चाहिए 5000 फॉलोअर। और देखिए दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट फॉलोअर करता है, लेकिन फॉलोअर का काफ़ी इजी ट्रिक है, जिससे कि आप प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड में कर लीजिएगा तो आपका 5000 फॉलोअर तो पूरा हो जाएगा आसानी से। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत करेगा आपको ये 60000 वॉच मिनट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला है कि आप 60000 वॉच मिनट कैसे जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हो। ऐसे दो ट्रिक बताने वाला जिससे कि आप आसानी से कर सकते हो। बहुत लोग कमेंट करते हैं भाई कि 60000 वॉच मिनट कैसे पूरा किया जाता है, तो इस वीडियो में कंप्लीटली बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, यहां पे 60000 वॉच मिनट, और एक चीज और आपको रहना चाहिए, 5 एक्टिव वीडियो। तो दोस्तों, ये सभी क्राइटेरिया को आप पूरा कीजिएगा ना, तो आप इन स्ट्रीम ऐड से फेसबुक से पैसा कमा सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फेसबुक है और एक स्टार हमारा इनेबल है यू टूल्स पे, और यहाँ पे आपको बस इन स्ट्रीम ऐड से अगर आप कर लीजिएगा तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और इस पर हम जैसे क्लिक कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि हमारा पॉलिसी इशू भी नहीं आ रहा है। बहुत लोगों का यहाँ पे चेक कर लेना है पॉलिसी इशू आएगा, तो दोस्तों अगर आप पॉलिसी इशू आया तो ये वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आई बटन पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से आप ठीक कर सकते हो, कोई ज़्यादा ठीक नहीं है। मेरे पे भी आया था, हम ठीक किए हैं, तो देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों, अभी हम बात करने वाले कि 60000 वॉच मिनट कैसे पूरा किया जाता है, कौन सा ऐसा ट्रिक है जिससे कि आप आसानी से पूरा कर सकते हो। तो ट्रिक नंबर 1, और देखिए दोस्तों ट्रिक नंबर 2। तो ट्रिक नंबर 2 जो है वो काफ़ी ईजी है और आप आसानी से वो कर सकते हो। ट्रिक नंबर 1 बता देते हैं कुछ उसके बारे में, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है तो आपको कुछ समझा देते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक ये है कि अगर आप रील्स अपलोड करते हो, जैसे देखिए फेसबुक क्या होता है कि आप रील्स भी अपलोड करके इंस्टाग्राम एड्स को पूरा कर सकते हो, क्योंकि रील्स का भी अब वॉच टाइम काउंट होने लगा है। तो अगर आप रील्स अपलोड करते हो तो करके कर सकते हो, लेकिन क्या होता है कि रील्स अगर अपना बनाते हो तो ठीक है, तो लेकिन अगर आपका रील्स उतना दमदार नहीं रहेगा तो रील्स अपलोड करके आप में व्यू नहीं जाएगा, तो फिर आप क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाओगे। तो रील्स को सबसे पहले क्या करना है कि दूसरे का रील्स अपने पे डालना है। तो दूसरे का भी रील्स डालने में क्या होगा कि आपका बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कॉपीराइट आ जाएगा या स्ट्राइक आ जाएगा। तो इसका भी कुछ तरीका है जिससे कि आप दूसरे का रील्स डाल सकते हो, उसका कुछ एडिट करके, और कौन से कोई दूसरे ऐप से उसको डाउनलोड करके, जैसे बहुत सारा ऐप है, एक वीडियो करके आया, 2-3 ऐप है। अगर इस पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, जिससे कि हम आपको बता देंगे कि स्टेप बाय स्टेप कि कैसे एडिट किया जाता है, कैसे वहां से डाउनलोड किया जाता है, और इस पे कैसे डाला जाता है, जिससे कि आपको कॉपीराइट नहीं आए और आसानी से आप अपना फेसबुक को मोनेटाइज करा जाओगे रील्स के माध्यम से। मान लीजिए कि आप रील्स आप अपलोड नहीं करते हैं, लॉन्ग वीडियो ही अपलोड करते हैं, या रील्स भी अपलोड करते हैं, तो उसका भी दूसरा ट्रिक है। तो दोस्तों, दूसरा ट्रिक ये है कि आप अगर बहुत सारा ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, बहुत सारे ग्रुप में अपने वीडियो को शेयर कीजिएगा, तो बहुत लोग का क्वेश्चन ये रहेगा कि अपने आईडी से शेयर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पे ये गलती नहीं करना। अगर आप जिस आईडी से फेसबुक चला रहे हो उस आईडी से अगर आप वीडियो को शेयर कीजिएगा तो आपके फेसबुक का रीच कम जाएगा, व्यूज डाउन हो जाएगा, सब चीज खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक नया आईडी बना लेना। तो नया आईडी बना के उसमें ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी एक दिक्कत आता है कि बहुत सारा ग्रुप ऐसा होता है जिसमें आपको वीडियो को शेयर करने के लिए आपको पैसा पे करना होगा, रेंट वाला होता है बहुत सारा ग्रुप, जिसमें शेयर करने पर आपका वीडियो पे व्यू जाएगा। लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा कि फ्री वाले ग्रुप कैसे मिलेंगे बिना पैसा पे किए हुए, अच्छा खासा व्यूज लाने का तरीका। तो वीडियो को देखिए अंत तक, और चैनल पर नए यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर लीजिएगा। तो चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहां पे देख सकते हो यही वीडियो है, यही हमारा फेसबुक है, और इसको ही हम मोनेटाइज करने वाले। इससे पहले भी हम मोनेटाइज किए हुए हैं। उसके बाद यहां पे देखिए हम वीडियो डालते हैं, और यहां पे देखिए हम वीडियो वाले सेक्शन पे पहले क्लिक कर लेते हैं, देन आपको हम और ट्रिक बताएंगे। यहां पे देख सकते हो व्यू कुछ बढ़ गया है पहले से, और पहले कुछ कम ही व्यू जाता था, तो इस हिसाब से बढ़ गया है। और अनओरिजिनल कॉन्टेंट आया था उसमें वीडियो सब डिलीट किए, नहीं तो लाख लाख में व्यू गया हुआ था। तो यहां पर देख सकते हो रिसेंटली ये वीडियो हम डाले हुए हैं, और इसको हम जल्दी मोनेटाइज करेंगे फिर से ये वाले आईडी को। तो देखिए दोस्तों, इस पर हम वीडियो डालते हैं, तो इस वाले हम फेसबुक पे कोई भी ग्रुप को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमको शेयर ही नहीं करना। क्या करना, इस वाले प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, और देन यहां पे हमको दिखेगा मल्टीपल, यहां पे लॉग इन टू अनदर अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, और हम एक और फेसबुक आईडी बनाए, इस पे भी हम 5000 फ्रेंड पूरा कर लेंगे। क्या करना है, 5000 फ्रेंड पूरा कर लेंगे ना, तो हम इस पे क्या करेंगे कि इस आईडी पे भी शेयर कर देंगे, और उसके बाद इसमें ग्रुप बहुत सारे ऐड होंगे। इससे क्या हुआ कि हमारे प्रोफाइल पे भी जो भी 5000 फ्रेंड है उसके पास भी ये वीडियो पहुंच जाएगा। जैसे हम यहां पे 3200 बना लिए, तो इस पे हम क्या करेंगे, 5000 फ्रेंड बना लेंगे। सबसे पहले आपको यही काम करना है, उसको प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर देना है, जिससे क्या होगा कि फ्रेंड के पास वीडियो चला जाएगा और शेयर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका वहां 5000 और यहां 5000, तो 5000 में कुछ तो वीडियो देखेंगे। उसके बाद इसी वाले आईडी पर क्या करेंगे, बहुत सारा ग्रुप ऐड करेंगे। तो ग्रुप ऐड करने का सही तरीका आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे आपको सर्च वाला ऑप्शन दिखेगा, जैसे अब यहाँ पे आपको सर्च कर लेना
कि आप ग्रुप किस तरह का लेना चाहेंगे, फनी, या आप कोई ऐसा वीडियो डालते हैं जो कि कॉमेडियल होता है और टेक्निकल होता है, जो भी आप जिस तरह के वीडियो डालना चाहते हैं उसी तरह के ग्रुप में आपको ऐड होना है। जैसे हम क्रिकेट ग्रुप यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे देखिए क्रिकेट क्रिकेट लवर या क्रिकेट ग्रुप इस तरह से आप लिख दीजिएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। ग्रुप वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना, जैसे यहाँ पे ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा आपको ग्रुप मिल जाएगा। तो इस ग्रुप में ऐसे ही ऐड नहीं होना है, ऐड होने का भी सही तरीका है, सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि 10+ पोस्ट इस पे ऐड होता है ना, अगर ऐड होता है उसके बाद यहाँ पे क्या करना, इसमें वाले आपको ग्रुप में सबसे पहले चले जाना, यहाँ पे अभी ज्वाइन नहीं होना, यहाँ पे आपको कुछ लिख देना है। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए I am creator आई एम क्रिएट शॉर्ट वीडियो, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले उसको क्या करना है, पोस्ट कर देना है। और यहाँ पे पोस्ट करने के बाद क्या होगा, अगर यहाँ पे पोस्ट होगा तो उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे अभी ऑप्शन आएगा और यहाँ पे पोस्ट होगा उसके बाद ही आपको यहाँ पे ऐड कर लेना। यहाँ पे देखिए पेंडिंग पोस्ट आ रहा है, तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको ऑप्शन आएगा कि पेंडिंग पोस्ट, मतलब यहाँ पे पेंडिंग में पोस्ट चला गया, मतलब ये कुछ देर के बाद क्या होगा कि यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। और बहुत सारा ग्रुप ये होता है कि जो रेंट वाला होता है, जिसमें अगर आप पोस्ट करने जाएगा तो वहाँ पे पोस्ट अनअवेलेबल बता देगा, पोस्ट नहीं होगा, वहाँ पे ऑप्शन यहीं पे शो हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये लिखने वाला ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो ये ऐसे ग्रुप में आपको ज्वाइन नहीं करना, ये चेक कर लेना है कि ये ग्रुप रेंट वाला या नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके और ज्वाइन कर लेंगे। इसी हिसाब से आपको देख सकते हैं कि बहुत सारा आपको ग्रुप मिल जाएगा, और यहाँ देख सकते हो फ्लोर भी काफी सारा 987 के है। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ग्रुप ऐड कर लेना। जैसे हम यहां पे ये यहां पे देखिए 8 पोस्ट हो रहा है, तो इस पे हम नहीं करेंगे, जिस पे 10 पोस्ट कम से कम हो ना रोज, उस वाले ग्रुप में आपको ऐड करना है 10+ पोस्ट। तो इस वाले ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको क्या करना, इस तरह से ऐड हो जाना। और पोस्ट करने का सही तरीका आपको बता देता है, जैसे यहां पे कंटिन्यू कर लीजिएगा और यहां पे देखिए दोस्तों यहां पे भी ऑप्शन आ रहा है कि यहां पे पोस्ट वाला, और यहां पे इस हिसाब से आप देखिए यहां पे फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहां से फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहां से आप कुछ लिख के और डायरेक्ट यहां से क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। तो यहां पे हम जैसे यहां पे पोस्ट कर लिया, यू विल बी अपलोड, यहां पे प्रोसेसिंग बोला जा रहा है कि पोस्ट हो रहा है, तो इस हिसाब से पोस्ट हो जाएगा। यहां पे देखिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पोस्ट हो जाएगा, यहां पे न्यूएस्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ऐसे ग्रुप को ऐड करना है जो कि जहाँ पे आपका वीडियो पोस्ट हो सके। आप देखिए दोस्तों शेयर करने का आपको तरीका बता देते हैं, जैसे हम ऐसे ग्रुप में आपको बहुत सारा ग्रुप में ऐड हो जाना है, 20 गो, 50 गो, 60 गो, और अपने आईडी से नहीं ऐड होना। अगर अपने आईडी से कीजिएगा आपका क्या हुआ, फेसबुक क्या हुआ, उसका एंगेजमेंट गिर जाएगा, सजेशन गिर जाएगा, बहुत सारा गिर जाएगा। तो अपने आईडी से तो ये गलती करना ही नहीं है। यहाँ पे हम जैसे अब इस वाले चैनल पे हम वीडियो डालते हैं तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, देन यहाँ पे वीडियो वाला ऑप्शन दिख जाएगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर वाले पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एक ग्रुप वाला ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, इधर स्क्रॉल कीजिएगा तो ध्यान यहाँ पे आपको ग्रुप वाला ऑप्शन दिखेगा जिस ग्रुप में आप ऐड हुए हैं। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपका क्रिकेट रिलेटेड वीडियो है तो क्रिकेट वाले में डालिए, फनी है तो फनी वाले। यहाँ पे जैसे हम इंडियन क्रिकेट इन्फॉर्मेशन वाले ग्रुप को ऐड किए थे, ICC वाले को ऐड किए थे, इस पर क्लिक करके और यहाँ पे कुछ लिख देंगे, जैसे ड्रीम इलेवन वाला हम वीडियो बनाते हैं तो ड्रीम इलेवन पर क्लिक करके और शेयर कर देंगे। यहाँ पे ऐसे ICC वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे ड्रीम इलेवन सब्स्टिट्यूट प्लेयर, ड्रीम इलेवन टीम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इस हिसाब से लिख के आपको क्या करना है, सेव कर देना। कुछ लिख भी दीजिएगा दोस्तों, लिख दीजिएगा तो क्या होगा पता है, ग्रुप में भी वीडियो वायरल होने लगेगा। तो इस हिसाब से आपको कर देना, जिससे क्या होगा कि सबसे पहले तो ये होगा कि जो भी इस ग्रुप में ऐड हुए हैं उसके पास वीडियो जाएगा, अगर उसके पास रुचि होगा वो 3 सेकंड से ज़्यादा देख लेगा तो एंगेज हो जाएगा आपके वीडियो पे, तो क्या होगा कि व्यूज ज़्यादा बढ़ने लगेगा और ज़्यादा आदमी का पहुँच जाएगा, और जल्दी से जल्दी आप 60 दिन के अंदर क्या 20 से 30 दिन में ही अपना 60,000 वॉच मिनट इस हिसाब से पूरा कर सकते हो। अगर दोस्तों अगर शॉर्ट वीडियो आप अपलोड करके रील्स अपलोड करके अगर करना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और दोस्तों अगर दूसरे का वीडियो अपलोड करके अगर आप पोस्ट कीजिएगा अनओरिजिनल कंटेंट आएगा तो फुल प्रोसेस बताया, ये वीडियो देख लीजिएगा जिससे अनओरिजिनल कंटेंट ठीक कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।